320 अरब मार्क का, 50 अरब में स्ट्रीट कार का एक टिकट, घरों की दीवारों पर नोट चिपकाते लोग क्योंकि वो वॉलपेपर से सस्ते थे, 400 करोड़ से ज्यादा के नोटों से भरे ठेले के बदले केवल एक अमेरिकी डॉलर मिलता था, और हमेशा एक से ही सिद्धांत पर चलती है। इन्फ्लेशन लैटिन भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है फैलना, कीमतें बढ़ने के संदर्भ में मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि। चीजों की कीमतें बढ़ने पर लोगों की खरीदने की क्षमता घटती है क्योंकि उसी पैसे में कम चीजें मिलती हैं। लेकिन ऐसा क्यों होता है? इसके तीन प्रमुख कारण हैं। पहला, मांग बढ़ने से आई महंगाई। वो चरम महंगाई थी जो 1923 में जर्मनी में आई थी। इस भयंकर महंगाई की तकलीफ आज भी देश को डराती है, लेकिन महंगाई बहुत कम ही इस चरम तक जाती है। ये कम ज्यादा हो सकती है अगर सारे लोग एकाएक घर बनाने के लिए लकड़ियां खरीदने लगें तो इसकी मांग बढ़ेगी। अगर उत्पादक इस एकाएक बड़ी मांग के मुताबिक आपूर्ति ना कर पाए तो लकड़ी महंगी हो जाएगी। कीमत मांग और आपूर्ति में संतुलन बनाने का एक तरीका है। दूसरा, लागत बढ़ने से आई महंगाई। मसलन कंप्यूटर चिप में लगने वाले कच्चे माल की आपूर्ति घट जाए तो चिप महंगी होगी। पैसे की आपूर्ति पर आधारित महंगाई, इसमें एक दिवालिया देश देनदारी चुकाने के लिए बहुत बड़ी मात्रा में मुद्रा छपवाता है। लेकिन जैसे मुद्रा आपूर्ति बढ़ती है, लोगों की बचत का मूल्य घटता है। महंगाई मापने के लिए अर्थशास्त्री एक काल्पनिक खरीदारी बैग बनाते हैं जिसमें जरूरी सामान और सेवाएं होती हैं। महीने दर महीने इन कीमतों की तुलना की जाती है। इनकी परसेंटेज डिफरेंस महंगाई की दर है। ट्रांसपोर्ट की लागत भी बढ़ गई क्योंकि कंटेनर और तेल की कीमतों में उछाल आया। कंपनियां इसलिए भी कीमतें बढ़ाती हैं क्योंकि उनकी भी लागत बढ़ जाती है। तीसरा, 5% से कम की दर धीमी इन्फ्लेशन कहलाती है। 20% तक की दर को तेज इन्फ्लेशन मानते हैं। 50% से ऊपर की दर हाइपर इन्फ्लेशन है। भले ही यूरोपियन सेंट्रल बैंक का 2% का लक्ष्य पार हो गया हो, मगर बैंक का कहना है कि मौजूदा महंगाई दर थोड़े वक्त के लिए ही है।